हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अवंती हियर और आज मैं इन सब बंदों के साथ जा रही हूँ राफ्टिंग करने। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ऋषिकेश में और आज मेरा फोर्थ डे है यहाँ पे और आज मैं राफ्टिंग करने जा रही हूँ। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, दैट इज द राफ्टिंग शॉप। काफ़ी एक्साइटेड हूँ, डरी हुई भी हूँ, बट आई नो एंड आई एम श्योर ऑफ इट दैट इट विल गो सो वेल। अभी हम लोग सूट पहन रहे हैं अंदर और फिर हम लोग इस गाड़ी में बैठ के शिवपुरी जाएंगे जहाँ से राफ्ट शुरू होती है। हम लोग 16 किलोमीटर्स की राफ्ट करने वाले हैं जो करीबन 2-2.5 घंटे की होती है। सो आई रियली होप दैट आई विल बी सेफ एंड आई विल एंजॉय इट एंड सो विल यू। आई विल सी यू देयर। बाय। हेलो, वेलकम बैक। सो आई एम ऑल रेडी। ये राफ्टिंग का सूट है, ये पहन लिया है मैंने। अब और ही धक 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 हो रहा है। फट रही है? बहुत फट रही है यार, पता नहीं क्या होगा, बट आई एम अ ब्रेव गर्ल। मेरे में गट्स है। तू मुझे बहुत मोटिवेट कर रही है ब्रो। वो कर चुकी है पहले, मैं पहली बार जा रही हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत डरी हुई हूँ। It's going to be the best thing you did in your life. I know it's gonna make me so happy. Adventure of a life, bro. You can do this. हमारी राफ्ट है, you can see. उसमें हम जाने वाले हैं। सारी रिकॉर्डिंग होने वाली है। Let's be just so excited. चलो जाते हैं। चलो आज ठीक है, फिर हम तो ये आप placing bets, forklift jumping. All packed and all ready. दिख रहा है आपको? हाँ, अभी दिख रहा है। अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं। उन्होंने सारी इंस्ट्रक्शंस हमें दे दी है। Shruti, good. 3, 2, 1. आगे वाले ले लो, वही ले लो। Okay, listen to please, you know, one more rapid is the same thing, you know, body surfing this rapid name. So, usse pehle thoda sa upar aayenge.
के जाओ। ऐसे जाओ। ओ ओ। होल्ड कर ना, प्लीज मेरे को पकड़। रुक जा, रुक जा। हमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि अगर कोई राफ्ट से दूर होता है तो उसे पैडल का वो पिछला वाला हिस्सा देके राफ्ट के करीब लाना है ताकि वो बहता ना चला जाए। हम सब आधे से ज्यादा टाइम राफ्ट में नहीं बल्कि राफ्ट के नीचे थे, पानी में। और पानी पानी इतना ज्यादा ठंडा था कि बस कोई कूद जाए उसमें, उस बेचारी की कुल्फी जम जाएगी। जैसे कि मैंने आपको कहा, मुझे स्विमिंग नहीं आती, पर फिर भी पहली बार मुझे पानी में जाके एक अलग आज़ादी महसूस हो रही थी, क्योंकि मेरे पैर बिल्कुल भी ज़मीन पे नहीं थे। और ऐसा कहते हैं कि जब पैर ज़मीन पे नहीं होते तो इंसान उड़ता है, और मैं सच में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी। उसके कुछ ही देर बाद हम सब ने ये डिसाइड किया कि हम फ्री फ्लोटिंग करेंगे, यानी पानी के ऊपर बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, बस तैरते जाना है, बिना किसी मूवमेंट के। एक हलचल भी नहीं होनी चाहिए। मुझे स्विमिंग नहीं आती है, इसलिए मैं उस रोप को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन हम सब ने ये डिसाइड किया कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे, राफ्ट के आसपास एक सर्कल बनाएंगे, सेमी सर्कल, और बस कुछ समय के लिए हम इस पल को इंजॉय करेंगे, हम इस पल में जिएंगे। पता है, पहले पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैं उठ उठ के देख रही थी कि सब ठीक तो है, मैं ठीक हूँ या नहीं। लेकिन एक बार मैंने बस अपने आप को बोला कि यू नो, लेट इट गो। ये पल, ये टाइम, ये मोमेंट तेरी लाइफ में फिर कभी नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने बस इस सोच के साथ अपनी आँखें बंद कर ली, शांति से पानी के ऊपर मैं सो गई। और जो फील आया मुझे लिटरली जब मैंने अपनी आंखें खोली, ऊपर आसमान था, नीचे नदी थी, आसपास सब पहाड़ ही पहाड़। और आपको पता है, हमने ये स्टिल वाटर्स में जहाँ पे किया उसी के साइड में ओशो आश्रम था, जहाँ से एक बहुत ही सूदिंग सा मेडिटेशन वाला म्यूजिक चल रहा था। इतना अच्छा लगा, ऐसे सच में लग रहा था कि मैं एग्जिस्ट कर रही हूँ, मैं जी रही हूँ अपनी ज़िंदगी। So tell me, how was your experience? तू तो आने नहीं वाली थी, क्या हो गया? मजा आ रहा है बड़े? यार वो जो 30 सेकंड थे ना, वो जो 2 मिनट थे ना जिंदगी के, वो इतने कीमती थे कि ब्रो तो 1000 रुपए खर्च कर ले, तू लाख रुपए खर्च कर ले, देखो ये वाला एक्सपीरियंस। क्या बोला था मैंने तुझे, क्या बोला था? So it's really worth it guys, this is the rafting capital Rishikesh, I'll see you. Amazing. Out of words. दस डिग्री बारह डिग्री ब्रो। और हेलो एवरीबॉडी, हाय। सो हियर नाउ वी हैव स्टॉप्ड फॉर क्लिफ जंपिंग, शी इज गोइंग टू गो सेकंड, शिवम इज गोना गो फर्स्ट, एंड आई एम डूइंग दिस लाइक फॉर द फर्स्ट टाइम। या इट्स अ ग्रेट एडवेंचर, वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आई एम गोना डू दिस taking one for the team. वो क्लिफ का पॉइंट है, वो क्लिफ है वहाँ से जंप करने वाले अपन, और बड़े मजे आने वाले हैं, बिल्कुल भी डरना नहीं है, खुद को बोल रही हूँ। और अगर वापस नहीं आए, वापस नहीं आए तो ये चैनल में देख लेना। वाह, डर लग रहा है, but we're gonna do it again. भैया प्लीज नीचे रहो। वेट वेट, चलो कैसे करूं?
आगे निकलो, फ्रंट पे एच पे जाओ, पूरा एच पे और किनारे पे, दोनों पाँव लेके किनारे पे ग्राउंड पकड़ो। कम ऑन, वन टू थ्री एंड जंप। All front. भाई जितना body move करोगे ना उतना so, मैं यहाँ पे बीच में रोप पकड़ के बैठी हूँ अभी, बाकी सब मस्त पैडल कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा सनसेट दिख रहा है हमको यहाँ से, इन द मिडल ऑफ द वॉटर। गंगा मैया की जय। Thank you so much. Same to you. All right, you guys. Bye bye.